इसी तरह से फर्टिलाइजर के लिए भी आप बना रहे हैं मशीन? फर्टिलाइजर की तो हमने बहुत आसान है, उसका तो हमने इंटरनेट पे ऑलरेडी डाल दिया है सारा तरीका। जो हमने फर्टिलाइजर का इन्वेंशन किया है या इंट्रोडक्शन किया है, तो वो 18 दिन में फार्मर मुफ्त का बना सकता है। ओके है, और खुद जो सामान घर से सूखे जैसे भूसा हुआ और गीले पत्ते हुए और गोबर, इन तीन चीजों को बना के एक ऐसा बनाया है। और विचित्र चीज है कि आप ये तीन चीजें लगाते हैं और फिर चार तीन दिन में आप आइए और अगर हाथ उसमें डालेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, इतना रिएक्शन हो जाता है बिना किसी चीज के। और 18 दिन में इतनी बढ़िया खाद आ जाती है कि सेकेंड टाइम में ओके आधा पानी लगेगा। अगर पानी आधा लग गया तो पानी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो लोग सरकार में बहुत लोगों से बात हो रही है, वो कह रहे हैं भैया ऐसी तो हमने देखा ही नहीं कभी, और ये प्रूवन है और हजारों खेत में ऑलरेडी हमने दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि नई चीज है, राइट? दो साल से हम कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये इनफैक्ट ये तीनों ही जो चीजें आपने कही, एक तो पावर को लेकर, दूसरी पानी को लेकर और तीसरी खाद को लेकर, ये वैसे भी भारत के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो ये तीनों ही है। आप इससे आगे का आपने सोचा है? एट सम पॉइंट यू वुड वांट टू मे बी एड्रेस सम अदर इश्यूज आल्सो, कुछ सोचा है इसके बारे में आपने या अभी इसी में उलझे हुए हैं? नहीं नहीं, एक तो पहली बात तो ये, इसका एग्जीक्यूशन में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि लोग आएंगे बीच में कहेंगे नहीं 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 ये नहीं करते। बहुत सी चीजें होती हैं, पहले कहावत एक इंग्लिश में वो है कि पहले वो आपको इग्नोर करते हैं, फिर आप पे हंसते हैं, फिर आपके दुश्मन बनते हैं, फिर आपकी जीत होती है। तो ये इसमें भी टाइम लगेगा, इसके बाद भी हम बहुत सी चीजें कर रहे हैं, मैं अभी अनाउंस नहीं करूंगा क्योंकि हाथ में नहीं आई है। लेकिन हम एक प्रोजेक्ट में बता देता हूँ आपको, एक हम कर रहे हैं जिससे आपको आप खाना पका सकेंगे सूर्य की रोशनी से। ओके। तो आपके सिलेंडर भी 10% रह जाएंगे, मतलब अगर दो सिलेंडर लगते हैं एक महीने में तो एक सिलेंडर 4 महीने चलेगा, राइट? तो उस पर भी कर रहे हैं, वो भी टाइम है थोड़ा उसको, अभी साल दो साल, अभी तो ये आने दो, पहले ये चीज़ तो हो जाए। इसमें इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि आपका वैसे भी फोकस सोलर एनर्जी पर अच्छा खासा है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक ऐसा रिसोर्स है जो कि डिप्लेट होता नहीं है और उसके लिए कोई एडिशनल आपको खर्च करना भी नहीं पड़ता, इट्स फ्रीली अवेलेबल जी। इसी दिशा में प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ा कदम उठाया है, यू नो ही हैज़ फॉर्म्ड अ सोलर अलायंस और उसमें कई सारे देश हैं जो फिलहाल तो शामिल हुए हैं। आपने स्टडी किया है उस मिशन को, आपका व्यू क्या है उस पर? आइडिया अच्छा है सोलर का, लेकिन जो अभी तक सोलर इन्होंने आविष्कार हुए हैं उनसे नहीं होगा, यू नीड समथिंग एल्स। हाँ, अब देखिए सोलर में क्या प्रॉब्लम है कि जो बड़े बड़े सोलर फार्म्स हैं उसमें मेंटेनेंस वाले होते हैं, उसमें स्क्रबर्स होते हैं साफ करने के लिए, उसमें धूल झड़ने के लिए वो शेकर्स होते हैं। जब आप छत पे लगा देते हो तो कौन मेंटेन कर रहा है? कौन उसको झाड़ रहा है? कौन उसको ठीक कर रहा है? राइट। जब ये है ही नहीं तो सोलर में इन्वेंशन चाहिए, और ये हमारा फर्ज है, ये सरकार का फर्ज नहीं है, राइट? तो हम ऐसी चीज ला रहे हैं जो हर घर में उनकी अपनी सोलर की हो जाएगी। हमने देखा देखे ये तो गांव में देखा था तो कई परिवार को दिया, तो हमने अगली बार जब आए तो देखा कि ये जब एक बार चार्ज होने के बाद वो एक थैला बना के बड़े प्यार से उसको अंदर ले जाते थे और रखते थे। तो वो मेंटेन खुद कर रहे हैं, सफाई खुद रखते थे, राइट? अब छत पे डाल दिया तो कैसे होगा, राइट? इसमें जो इसकी कीमत है, क्या ये एक डेटरेंट नहीं है खासकर समाज के जिस तबके को आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? एंड ऑब्वियसली यू विल नीड गवर्नमेंट सपोर्ट, लेकिन भारत में कई सारे फैमिली ऐसे हैं कि जो शायद उनकी हेल्थ के ऊपर भी खर्च नहीं कर पाते हैं या फिर उनके खाने पीने पे भी खर्च नहीं कर पाते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉटम मोस्ट लेवल पीपल, लेकिन उनको भी इस प्रोडक्ट की ज़रूरत तो है। तो आर यू वर्किंग ऑन समथिंग जिससे या तो इसकी कीमत कम हो और या तो फिर आप सरकार पर ही डिपेंड करेंगे, बिकॉज आप खुद तो नो प्रॉफिट नो लॉस मॉडल पर काम कर रहे हैं, सो देयर इज नो वे यू कैन ब्रिंग द प्राइस डाउन बियॉन्ड अ पॉइंट, बट 14-15 हज़ार का आंकड़ा यू नो पर यूनिट लोगों के लिए अगर हम सोचें जिनको बेसिक भी एक्सेस नहीं है उनके लिए अभी भी ज्यादा है, शायद वो पूरे साल में नहीं कमाते होंगे। एक तरह से सोचिए, लोग कहते हैं ये महंगा है, अगर 12 साल के लिए बिल नहीं आएगा तो आप इसको महंगा नहीं कह सकते।
अगर फाइनेंस करा देते हैं, जो कि उस पर भी हम कर रहे हैं कि भाई माइक्रो फाइनेंस हो जाए, ये हो जाए, तो अगर 10 साल के लिए, तो जब हम उसका वारंटी दे रहे हैं तो गवर्नमेंट, वो जो फाइनेंस वाला भी है, वो भी सेफ है कि ये सामान सही रहेगा। अच्छा, उसके बाद है जो बिल्कुल ऐसे हैं जिनके पास खाना, मतलब बहुत ही बॉटम 5% हैं, तो उनको अगर आप दे भी दे देंगे तो बेच देंगे, क्योंकि भाई तुमको पहले तो खाना तो मिले बिजली की तो बाद में आती है, पहले खाना हो जाए, तो उनको भी नहीं कर सकते। और दूसरे, अगर मैंने इसको फ्री कर दिया तो मैं भी महीने दो महीने में सड़क पे आ जाऊंगा इसलिए ये भी नहीं कर सकते। तो कहीं तो शुरू करना है ना। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम जब करेंगे तो थोड़ा बढ़ेगा। और फिर सरकार इतनी सब्सिडीज और चीज में दे रही है, बिजली में भी सब्सिडी है, वो अगर सब्सिडी इस तरफ लगा देंगे, अब वो उनके ऊपर है, करें या ना करें। राइट, लेकिन ये एटलीस्ट एक थोड़ा इनोवेटिव तरीका है, बिकॉज अदरवाइज कई एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो यू नो फिलान्थ्रोफी में या फिर CSR के थ्रू अच्छा खासा खर्चा करते हैं और हर साल करते हैं, जैसे आपने भी कहा कि 250 करोड़ आप अकेले भारत में ही डोनेट करते हैं, लेकिन ये प्लेजिंग ऑलमोस्ट 99% ऑफ योर वेल्थ, टाइम डिवोटिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें, इसका ख्याल आपको कहाँ से आया? I mean, why you felt the urge? Because, you know, एक argument ये भी है that if you are an entrepreneur, then you should continue to do what you are doing, which is making money, and keep distributing that money, part of it, and keep creating employment opportunities. एक argument ये भी होता है। तो ये अपना अपना शौक होता है। कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं शौक से, कुछ बढ़िया कार लेते हैं। मेरे को कोई शौक नहीं है, चक्कर ये है। तो हमारा शौक है काम करना। तो फिर मैंने देखा कि भाई पैसे का करेंगे क्या, अगर किस जिसको ज़रूरत है उसके काम ना आए तो किसके लिए कर रहे हैं? रईसों के लिए कर रहे हैं भाई। जब टॉप 20% के लिए हम और नौकरी कर देंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जिनको असली में ज़रूरत है उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। हमने सोचा कि ऐसे काम करें जो सच में, जिसमें ज़िंदगी की एक मकसद बने कि हाँ भाई कुछ किया। और हमने इश्तहार इसलिए भी किया है कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान में, वो हमारे साथ अब जुड़ने के लिए आ रहे हैं कि सब साथ मिलके जो हिंदुस्तान को बचाएंगे। यू नो, अगर मैं ये कहूँ कि 5 या 10 साल के बाद का आपका विजन क्या है इन टर्म्स ऑफ स्केल ऑफ योर इनोवेशन? आप चलिए भारत में तो ठीक है, सरकार है, अपना काम करेगी, बट यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प गवर्नमेंट एक तरीके से, और जो बॉटम 80% है उनके लिए आप काम करना चाहते हैं। So, I mean, where do you see 5-10 years down the line as far as India is concerned with your products? देखिए, अगर किसान ने यूरिया छोड़ दिया तो उसकी आमदन 5 गुनी 10 गुनी हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया खाना होगा, जो पैदा होता है वो भी बढ़िया होगा, उसका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। तो 5-10 साल में ये चीज़ें हर जगह फैल जाएंगी, एजुकेशन बढ़ जाएगी, और ये बेस से होगा, ऊपर से नहीं होगा। एक एक को, हर को मौका मिलेगा, उन लोगों का फायदा होगा। चलिए सर, उम्मीद यही करते हैं इनफैक्ट कि ये जो कोशिश है आपकी, ये आगे भी इसी तरह से जारी रहे और इसका फायदा वाकई देश के उन सबसे ज़रूरतमंद लोगों को हो जो अभी भी, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत पिछड़े हुए हैं या फिर अभी भी वैसे ही रह रहे हैं जैसे आज़ादी से पहले और उससे भी सैकड़ों साल पहले रह रहे थे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स।